बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ओके, सो आप लोग लास्ट लेक्चर में कौन से स्टूडेंट्स नहीं थे वो हैंड रेज करें। कौन से स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में नहीं थे वो हैंड रेज करें। जी नायरा, आबिद बच्चे अनम्यूट करें। नायरा, आबिद बेटा अनम्यूट करें। नायरा, आबिद आपको मेरी आवाज आ रही है? अक्सा नौरीन बेटा आप अनम्यूट करें। बेटा जिसका मैं नेम कॉल कर रही हूँ आप क्यों अनम्यूट नहीं कर रहे हैं अपना माइक? आपको फिर मैं क्लास से रिमूव कर दूं? अक्सा नौरीन, जी मैं नाहिल मुजम्मिल, आप नहीं थी लास्ट क्लास में? आप बच्चे आप लोगों को मेरी आवाज नहीं Yes, आ रही, आप ma'am. रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। जी आप नहीं थी Yes, लास्ट ma'am. क्लास? No, ma'am. Yes, ma'am, आ रही है आवाज़। तो बेटा जिसका नाम लिया जा रहा है वो क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहा? अक्सा नौरीन आपको मैं क्लास से रिमूव कर दूं? Ma'am, जी नहीं ली थी मैंने क्लास. ओके, आप लेट रजिस्ट्रेशन है बेटा? No, ma'am. मिस हो गई थी. ओके फाइन। अच्छा जी, हूर फातिमा बेटा अनम्यूट करें। हूर फातिमा जी बेटा आप मुझे बताएं रेडियोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज रेडियोलॉजी? सॉरी, मैंने लेक्चर नहीं पढ़ा मैम। बेटा क्यों नहीं पढ़ा आपने लेक्चर? मैंने आपसे कहा था ना सब बच्चों ने लेक्चर पढ़ के आना है। जी, वो फर्स्ट लेक्चर था, मैं आज से पढ़ रही हूँ। चले हादिया असद, हादिया असद बेटा जल्दी से अनम्यूट करें। यस मैम। बेटा आप बताएं रेडियोलॉजी की कौन सी दो ब्रांचेस मैंने आपको बताई थी? डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। शाबाश। ओके जी, अब मुझे बताएंगे मोहम्मद यासीन बेटा अनम्यूट करें। मोहम्मद यासीन बेटा अगर आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे मैं आपको पता है आपकी एब्सेंट काउंट करूंगी उस दिन की। आपका क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है। मोहम्मद यासीन, अभी तक दो बच्चों की एब्सेंट लग चुकी है, नायरा की एंड अक्सा नौरीन की। जी मोहम्मद यासीन। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप सर मैं उस वक्त से कॉल कर रही हूँ, आप इतनी लेट क्यों रिस्पॉन्स कर रहे हैं? आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है? सो रहे हैं? कहाँ पे हैं बच्चे आप? व्हाट इज रेडियोलॉजी? अच्छा बेटा मुझे बताएं न्यूरो रेडियोलॉजी क्या होती है? न्यूरो रेडियोलॉजी मैम, न्यूरो जी मैम, मैम न्यूरो रेडियोलॉजी ये होता है कि हम कोई भी जैसे हम कोई न्यूरोन है, न्यूरोन वगैरह को मतलब कि हम करते हैं इसका ट्रीटमेंट या कोई भी चीज मतलब जैसे इसको चेक वगैरह डायग्नोस करते हैं। मैम रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी ब्रांच पूरी है, मेडिसिन की ब्रांच है मैम। इसमें हम एनर्जी रेडिएट रेडिएंट को चेक करते हैं, ट्रीटमेंट डिजीज करते हैं, डिफरेंट मोडलिटीज यूज करके इमेजिंग्स वगैरह, एमआरआई और सीटी स्कैन। ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की ब्रांच है या डायग्नोस्टिक की, मुझे ये बताएं? ये मैम डायग्नोस्टिक की, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की। ओके फाइन। मलीहा जावेद बेटा आप अनम्यूट करें जल्दी से। शाबाश। यस मैम।
जी बेटा आप मुझे बताएं, मैंने आपको एक्सरे के क्या क्या यूजेस बताए थे, कोई से टू यूजेस बता दें जस्ट। एक्सरे के यूजेस मैम, एक्सरे से हमें जो है पिक्चर्स मिलती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की, ताकि हम उनको डायग्नोस कर सकें। बेटा बताएं ना किस कंडीशन में, कोई कंडीशन बताएं जिसमें हम एक्सरे पेशेंट को रेफर करेंगे। मैम अगर आपका कोई मतलब किसी को लंग का मसला से कोरोना वायरस में, तो हम जैसे कहेंगे कि चेस्ट रेडियोलॉजी करवाए, ताकि चेस्ट का स्कैन पता चले हम लंग्स के। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। हाँ जी, उसके अलावा कोई फ्रैक्चर होगा तो उसके अलावा हम उसे कहेंगे मस्कुलोस्केलेटल का। ठीक है, ठीक है बेटा, गुड। ठीक है, जो बच्चे देखिए बेटा, मुझे नहीं लगता इस वक्त ये काफी सारे स्टूडेंट आप में से कोई भी पढ़ के आया हुआ है, लेकिन एटलीस्ट आपको थोड़ा सा तो मुझे कुछ बताए ना कि हमने क्या पढ़ा था। अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाएंगे, आप बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो फिर मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं यहाँ पे दीवारों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है बच्चे, तो इसलिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करें। नहीं भी पढ़ के आए तो आप मुझे बता दें, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पनिशमेंट तो नहीं दी जा रही, लेकिन बेटा आपने क्लास पार्टिसिपेशन, मैंने आपको बताया था कि आप बच्चों ने क्लास पार्टिसिपेशन हमने क्या करनी है, जरूर करनी है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो फिर आपको जो है ना, आपको समझ आएगा आप क्या पढ़ा रहे हो, ना मुझे पता चलेगा कि आपको कुछ समझ आ भी रहा है या बस आपका ऊपर से गुजरता जा रहा है। ठीक है बेटा, अच्छा जी, ओके फाइन। आप में से कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बता दें, महनूर आप बता दें बच्चे कि हमने लास्ट एक्सरे तक पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था जरा मुझे बता दें। मैम ये एक्सरे तक पढ़ा था, एक्सरे तक पढ़ा था, ओके फाइन। अच्छा जी बच्चे, आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देती हूँ। लास्ट समरी मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको, चलिए जिस सिस्टम पे मैं बैठी हूँ इसका कोई मसला है। अच्छा जी, रेडियोलॉजी हमने पढ़ी थी कि मेडिसिन की ब्रांच है, जिसमें हम रेडिएशन के थ्रू जो है वो क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट मोडलिटीज यूज कर रहे होते हैं और डायग्नोसिस भी बना रहे होते हैं और पेशेंट को इंटरवेंशन भी दे रहे होते हैं। ठीक है, दो ब्रांचेस हमने पढ़ी थी, डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशनल। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि रेडिएशन इटसेल्फ होती क्या है। ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, कि जब वो किसी मैटर से पास करती हैं तो क्या होता है वहाँ पे, आयनाइजेशन हो जाती है उसकी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि आयनाइजिंग रेडिएशन की जो है वो अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था गैमा रेज हैं और एक्स रेज हैं। फिर बच्चे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपके लिए जो हमारे लिए जो है वो रेडिएशन हार्मफुल क्यों हो जाती है बॉडी के लिए। ठीक है ना, हम कहते हैं कि बॉडी के लिए रेडिएशन हार्मफुल है, तो वो क्यों रेडिएशन जो है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक है, ये आप मुझे, आप में से कौन सा बच्चा मुझे बताएगा, अनुषा शाहिद बच्चे आप बताएं जल्दी से, शाबाश। वाई रेडिएशन आर हार्मफुल टू द बॉडी। मैम रेडिएशन हार्मफुल हो सकती हैं क्योंकि इससे बहुत सारी डिफिकल्टीज पैदा होती हैं, जैसे कीमोथेरेपी कराई जाती है। नहीं बेटा, मुझे टिश्यू को जाके वो क्या क्या करेगी, टिश्यू को जाके। महनूर आप बताएं, शाबाश। मैम डीएनए मटेरियल का डैमेज कर देती है, कैंसर का। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ठीक है, मैंने आपको बताया था बेटा कि रेडिएशंस इसलिए हार्मफुल हैं कि वो हमारी बॉडी के जाके जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को डिस्टर्ब कर देती है। सेल जो है उसकी, जब डीएनए डिस्टर्ब हो जाएगा तो सेल का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, और सेल ऑटोमेटिकली फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास कैंसरस टिश्यूज में डेवलप हो जाता है। ठीक है, कैंसर टिश्यूज भी बनने के चांसेस होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी पढ़ी थी, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जिसमें हम डिफरेंट मोडलिटीज स्कैन यूज करके पेशेंट का डायग्नोसिस बना रहे होते हैं। देन ये सारी ब्रांचेस मैंने आपको वन बाय वन बताई थी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की, जो कि हम, मैंने आपको बताया था कि इसमें रटालाइजेशन की जरूरत नहीं है, वन बाय वन आप उसके नाम से ही जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जेनिटो यूरिनरी है, तो इसका क्या मतलब है, इसमें किडनी से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड अगर कोई पेशेंट को डिजीज है उसको हमने डायग्नोज करना हो, तो हम ये जो है ना वो रेडियोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद बच्चे फिर मैंने आपको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बताई थी, इससे मैंने आपको बताया था कि नाम से जो हो रहा है कि इंटरवेंशन। ठीक है, सॉरी, ये वाली, ये वाला बच्चे, बेटा डायग्नोस्टिक पूछ रहे हैं, सेकंड वाला पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी। अच्छा बच्चे, पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी में मैंने आपको ये बताया था कि इसमें हम सिंपल, मतलब कोई भी जो पीड्स में, यानी कि नियोनेट्स में, इन्फेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, ठीक है, न्यूबॉर्न्स में, अगर आप कोई भी रेडियोलॉजी की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी। ठीक है, वो एक्सरे भी हो सकता है, वो अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, वो कोई भी रेडियोलॉजी की मोडालिटी हो सकती है।
दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पीड्स, उसको हम पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी कहते हैं. ठीक है, अब होता ये कि हम पीड्स रेडियोलॉजी स्पेसिफिकली अगर हम कहेंगे क्यों अलग से बना दिया गया, इसलिए बना दिया गया क्योंकि बच्चों में हमें जो है ना वो डोज का जो है वो देखना पड़ता है कि इतनी हाई डोज बच्चे को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं. ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि न्यू बॉर्न बेबी होता है अगर उसको कोई एटीलेक्टेसिस है, लंग का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इमेच्योर लंग है उसके, तो हमें फिर देखना पड़ता है कि इस बच्चे को अभी हम जो है वो किस तरह से मॉनिटर करें, एक्सरे एकदम से रेफर करना है या नहीं रेफर करना. ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि रेडिएशन बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो जो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है ना उसकी कोई इम्यूनिटी अभी डेवलप हुई है ना कुछ हुई है, तो आप उसको एकदम से रेडियोलॉजी नहीं दे सकते. ठीक है, ये एक बड़ी वास्ट आगे से ब्रांच है, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप सिर्फ ये याद रखें कि पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी में हम जो इन्फेंट्स न्योनेटल्स से रिलेटेड जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी टेक्निक्स या मोडलिटीज इस्तेमाल करते हैं वो आ जाती है. ठीक है बेटा, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जिसे मैंने आपको बताया था कि इंटरवेंशन यानी कि पेशेंट को क्या करना है, हमने ट्रीटमेंट देना है. ठीक है, उसमें हमने काफ़ी सारे प्रोसीजर्स पढ़े थे, एंजियोग्राफी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वेंस का या ब्लड वेसल्स का, आर्टरीज का जो है वो एंजियोग्राम यानी कि एक्सरे के ऊपर देखते हैं कि आर्टरी या वेन में कोई मसला तो नहीं है. ठीक है, फिर बायोप्सी प्रोसीजर्स मैंने आपको बताए थे. ठीक है, जैसे कि अगर पेशेंट को कोई कैंसर हो गया है तो उसका फिर वहाँ से हम एस्पायरेशन करके उसको जो है वो माइक्रोस्कोपिकली जो है उसकी स्टडी करते हैं. फिर हमने एंजियोप्लास्टी पढ़ी थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हम ट्यूब डालते हैं और ट्यूब के साथ बैलून अटैच होता है, वो जाके जो कोई कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होता है उसको वहाँ से रिमूव कर देता है. अगर आप लोगों ने मेरी सारी रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो आपको ये बड़े अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी. ठीक है, फिर हमने इसी तरह से स्टंटिंग पढ़ी थी, स्टंट भी हम करते हैं, वेरिकोस वेन का ट्रीटमेंट करते हैं लेज़र के थ्रू. अगर कहीं एब्सेस बॉडी में पड़ा हुआ है, कोई इन्फेक्शन पड़ा हुआ है, उसको भी जो है वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से हम ट्रीट करते हैं. ठीक है, फिर हमने कार्डियक कैथेटराइजेशन पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने कैथेटर पास करना होता है किसी भी एरिया रीजन से, जैसे कि स्पेसिफिकली हम ग्रोइन या आर्म यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और उसको हार्ट तक लेके जाते हैं और फिर हार्ट को मॉनिटर करते हैं कि उसकी एक्टिविटी ठीक चल रही है या नहीं चल रही. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि मेडिकल इमेजिंग क्या होती है, और मेडिकल इमेजिंग में मैंने आपको बताया था कि नाम से याद रख लेना है कि वो इमेजिंग जिसमें हमें मेडिकल इश्यूज़ को जो है जिसमें हमने विजुलाइज करना है. ठीक है ना, यानी कि पेशेंट के डिजीज़ को देखना है, हमने को डायग्नोस बनाना है, हमने डिजीज़ को मोनिटर करना है कि पहले क्या सिचुएशन थी अब क्या सिचुएशन है, वो सारा हम मेडिकल इमेजिंग के थ्रू कर रहे होते हैं. ठीक है बच्चे, देन फिर ये हमने कुछ सोर्सेज पढ़े थे, आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो कुछ एनवायरमेंटल हैं, कुछ मैन मेड हैं. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था मिली सीवर्ट्स जो है वो बेसिकली क्या है, रेडिएशन का यूनिट है. ओके, देन फिर मैंने आपको बताया था बेटा ब्रांचेस तो दो हो गई थी हमारे पास, डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशनल. ठीक है, अब स्पेशलिटीज़ क्या हैं इसकी. ठीक है, रेडियोलॉजी की स्पेशलिटीज़ क्या हैं, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, मेमोग्राफी है, फ्लोरोस्कोपी है, अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, इंटरवेंशनल रेडियोग्राफी एंड एंजियोग्राफी है. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि हम इनको थोड़ा थोड़ा सा वन बाय वन पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम थोड़ा सा इन डिटेल जो है वो इसको पढ़ेंगे. ठीक है बच्चा, तो आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली अब रेडियोलॉजी है क्या. ठीक है, और इसकी क्या सब ब्रांचेज हैं. ठीक है, इसकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं एंड एवरीथिंग. ठीक है बेटा, अब आप में से किसी का यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें ताकि फिर हम आगे प्रोसीड करें. नो मैम. ठीक है बेटा, देखिए मैंने आपको, मेरा हाल है आज तीसरी दफ़ा ये सारी बातें रिपीट की हैं, अब फिर भी अगर आप लोग ना सुनाएं तो फिर तो देखें कितनी बुरी बात है ना, कि आप मुझे अब तब भी आप ब्लैंक हो आगे से और आप रिस्पांस ना करें. ठीक है बेटा, उसके बाद फिर हमने देखा था एक्सरेज, जिसको रेडियोग्राफ्स भी मैंने आपको कहा था, रेडियोग्राफी भी हम कहते हैं, और आप लोगों ने सब ने एक्सरे का तो ज़रूर नाम सुना हुआ होगा. ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे पास ये ओल्डेस्ट मोडलिटी है जो कि हम यूज़ करते हैं, सेफ भी होती है. ठीक है, टू सम एक्सटेंट, क्योंकि इसमें डोज जो है वो हमारे पास थोड़ी सी लो डोज होती है. ठीक है, बाकी सीटी स्कैन में, एमआरआई में जो रेडिएशन की डोज होती है वो थोड़ी सी हाई होती है. ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सरेज को हम सेफ क्यों कंसीडर कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए कंसीडर कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें जो रेडिएशन की डोज है वो हमारे पास थोड़ी लो डोज है, और सीटी में, एमआरआई में जो रेडिएशन की डोज है वो क्या है, हाई डोज है. ठीक है बच्चे, उसके बाद फिर हमने जो है वो देखा था कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे कि जो है एक्सरे आपको स्टैटिक इमेज देता है. ठीक है ना, यानी कि जैसा आपने पेशेंट की पोजीशन रखी वैसे का वैसा ही आपको एक इमेज के ऊपर जो है वो एक्सरे दे देता है. ठीक है, इसमें कोई हमें ऐसा लाइव इमेज नहीं नज़र आ रहा होता, या ऐसा नहीं नज़र आ रहा होता कि पेशेंट का आप साथ इमेज ले रहे हो और साथ आपको स्क्रीन के ऊपर मूव करता हुआ इमेज नज़र आ रहा हो, स्टैटिक इमेज आएगा. ठीक है,
उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह से हमारे पास एक्सरे जो मशीन होती है बेसिकली उसमें एक प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है जहाँ से एक्सरे जनरेट हो रही होती हैं, ठीक है। नीचे एक एक्सरे डिटेक्टर होता है आपके पास, वो डिटेक्ट करता है उसको, ठीक है। और फिर इस तरह से हमारे पास एक क्लियर स्टैटिक इमेज जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद फिर हमने कुछ पढ़े थे इसके यूजेस, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रैक्चर्स को देखने के लिए, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने बताया था कि कॉर्बेट के पेशेंट्स में हम देखते हैं, ठीक है, यानी कि चेस्ट को एग्जामिन करने के लिए भी हम एक्सरे देख रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि चेस्ट में आप लंग्स के लिए ही देख रहे हैं, ठीक है। हम जो है वो चेस्ट में और भी जो है वो हार्ट को मॉनिटर करने के लिए भी एक्सरे जो है वो किया जा सकता है, ठीक है जी। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आ जाता है या किसी का अगर कोई फ्रैक्चर हो गया, रिब का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है ना, वो देखने के लिए भी आप करा सकते हैं। फिर मैंने आपको नेक्स्ट यहीं तक ही हमने आई गेस पढ़ा था, ठीक है बच्चे। तो आज जो है वो हम देख लेते हैं अब सीटी स्कैन क्या होता है। अब सीटी स्कैन भी शायद आपने नाम भी सुना होगा और ये शायद अगर आप लोगों ने कभी इस तरह की मशीन भी देखी हो। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीटी स्कैन इज डराइव्ड फ्रॉम एक्सरे, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल एक्सरे है, इसका क्या मतलब है कि एक्सरेज जब हम कर रहे थे तो उसमें भी एक्सरेज ही यूज हो रही थी, ठीक है। और सीटी यानी कि कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन जो हम करते हैं उसमें भी हमारे पास रेज जो इस्तेमाल हो रही होती है वो कौन सी है, एक्सरेज ही है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि एक्सरेज जो हम करते हैं उसमें डोज थोड़ी सी लो होती है और सीटी में जो है वो रेडिएशन की डोज जो है वो क्या होती है, थोड़ी सी हाई होती है, ठीक है। तो अब आप देखें कि सीटी स्कैन में भी एक्सरेज यूज हो रही हैं और एक्सरेज कौन सी, मैंने आपको बताया था रेज है, आयनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि सीटी स्कैन भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है कि अगर मतलब आप विदाउट एनी रीजन या बार बार अगर इसका पेशेंट के साथ एक्सपोजर हो रहा है तो। कंप्यूटराइज्ड सीटी स्कैन कंबाइंस अ सीरीज ऑफ एक्सरे इमेजेस टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड यूजेस कंप्यूटर प्रोसेसिंग टू क्रिएट क्रॉस सेक्शनल इमेजेस और स्लाइसिस ऑफ द बोन्स ब्लड वेसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अब बेटा देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या कह रहा है कि ये आपको क्या करेगा, डिफरेंट एंगल्स से लेगा एक तो इमेज, ठीक है, वो तो एक्सरे भी डिफरेंट एंगल से इमेज ले लेते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल इमेजेस और स्लाइसिस, ठीक है। ये शायद आपने पहले वर्ड ना सुना हो कि क्रॉस सेक्शनल इमेज या स्लाइस की फॉर्म में आपको जो है ये किसी भी बॉडी के टिश्यू को जो है वो दिखा देता है, ठीक है, चाहे वो कोई ऑर्गन है चाहे वो जो है वो कोई ब्लड वेसल है। ये मैं अभी आपको आगे क्लियर करती हूँ, ठीक है। सीटी स्कैन इमेजिंग प्रोवाइड मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन देन प्लेन एक्सरेज डू, ठीक है जी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक्सरे सिर्फ एक स्टैटिक इमेज देगा, ठीक है, और सीटी स्कैन हमें क्यों मोर डिटेल दे रहा है, क्योंकि वो स्लाइसिस के अंदर दिखा रहा है इमेज को। CT scan can be used to visualize nearly all parts of the body and is used to diagnose disease or injury as well as to plan medical, surgical and radiation treatment. ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है जब आप जो है वो बॉडी के इनसाइड के टिश्यूज को इतने कीन लेवल के ऊपर इतना डीप करके देखेंगे, उसको स्लाइसिस में जाके देखेंगे कि किस लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में दोनों में हेल्प करेगा, ठीक है बेटा। ये इस तरह से एक मशीन होती है जिसमें ये एक मोटराइज्ड प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप पेशेंट को लिटाते हैं, ये सीटी स्कैन का रोटेटरिंग ये रोटेट करता जाता है, ठीक है, रोटेट करेगा तभी आपके पास क्या होगा, डिफरेंट एंगल से पेशेंट का जो है वो इमेज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक मोनिटर होता है और वहाँ पे सारा जो है वो इमेज फिर आपका पेशेंट का हमें नजर आ जाता है, ओके। देन अब इसके यूजेस क्या हैं, डायग्नोस मसल एंड बोन डिसऑर्डर सच एज बोन ट्यूमर एंड फ्रैक्चर। अगर आप लोगों ने शायद कभी सुना हो, कभी कभी ऐसे होता है, जरूरी नहीं कि हम एक्सरे से ही फ्रैक्चर का पता कर सकते हैं, ठीक है, कभी ऐसे होता है कि बिल्कुल हेयरलाइन से फ्रैक्चर आया हुआ है, ठीक है ना, और डॉक्टर कहते हैं कि जी हेयरलाइन फ्रैक्चर है, एक्सरे पे बहुत ज्यादा क्लियर कट हमें नहीं पता चल रहा, आप ऐसा करें इसका सीटी करा के लाएं, ठीक है। तो हमारे तो माइंड में आता है कि सीटी तो शायद सिर्फ ब्रेन के लिए करना था, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, हम फ्रैक्चर के केस में भी सीटी करवाते हैं अगर हमें उसको बिल्कुल ज्यादा इन डिटेल उसका इमेज जो है वो देखना हो। इसी तरह से किसी भी ट्यूमर इन्फेक्शन या ब्लड क्लॉट, ठीक है, आपने देखा है कि कोई भी ट्रॉमा के साथ पेशेंट आता है इमरजेंसी में तो कहते हैं जी इसका ब्रेन सीटी करवा लें, ठीक है ना, कि कोई क्लॉट तो नहीं बन गया कोई, ठीक है, कोई ट्यूमर तो नहीं है वहाँ पे। देन डिटेक्ट एंड मोनिटर डिजीजेस कंडीशन सच एज कैंसर, हार्ट डिजीज, लंग नोड्यूल्स एंड लिवर मैसेस, ठीक है। अगेन वही बात आ जाती है कि सिर्फ ब्रेन तक नहीं है, हार्ट डिजीज को ही हमने देख लिया हो उसको भी देख सकते हैं, कोई लंग्स है यानी कि किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई नोड्यूल बन गई है, कोई एबनॉर्मल मैस है वहाँ पे, उसको देखना हो तो भी हम क्या करते हैं, पेशेंट को सीटी रेफर कर सकते हैं। मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट सच एज कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आपके जो है वो आया है रेडियोलॉजिस्ट के पास, ठीक है, उसने देखा है, उन्होंने कहा कि जी हाँ जी इसका जो है ना लंग में कैंसर टिश्यू जो है वो
डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है ना, सीटी स्कैन ने शो कर दिया है. अब वो क्या होगा, पेशेंट जाके रेडियोलॉजी लेगा, जो है वो कीमोथेरेपी लेगा. जब उसने कीमोथेरेपी लिया तो फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स के बाद वो दोबारा रेडियोलॉजिस्ट के पास गया, उसने दोबारा से अपना सीटी करवाया, ठीक है. तो उससे पता चला कि पहले जो कैंसरस टिश्यूज डेवलप थे अब वो काफी हद तक जो है वो बेहतर हो चुके हैं. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है वो इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है. मैंने आपको पहले बताया था कि डिजीज को मॉनिटर भी किस तरह करते हैं कि पेशेंट ने एक्सरे कराया, उसने कुछ अर्सा ट्रीटमेंट लिया, फिर दोबारा से एक्सरे कराया, तो ये हम क्या करें, मॉनिटर कर रहे हैं उसको, ठीक है. इसी तरह ही इफेक्टिवनेस भी यही है कि पेशेंट आया है, एक चीज डायग्नोज हुई है उसको, फिर ट्रीटमेंट उसने लिया, उसके बाद जब हमने दोबारा कराया तो हमने देखा कि प्रीवियस और जो आफ्टर ट्रीटमेंट है उसको हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं. बेसिकली डिटेक्ट इंटरनल इंजरीज एंड इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ब्लड क्लॉट है, कोई इन्फेक्शन है, कोई भी इंजरी हुई हुई है, ये उसको जो है वो इजिली डिटेक्ट कर लेता है. मैम स्ट्रोक के पेशेंट्स का भी सीटी स्कैन नहीं कराते हैं? हाँ जी बेटा, देखिए स्ट्रोक के पेशेंट में क्या होता है, हमारे पास सेरेब्रल आर्टरी में क्लॉट बन जाता है ना, तो अभी मैंने आपको बताया कि क्लॉट में हम लोगों ने करना है इसको, ठीक है ना, ब्लड क्लॉट में. तो बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया, ठीक है, स्ट्रोक के पेशेंट में भी हम ब्रेन सीटी करवाते हैं. देन ट्रोमेटिक इंजरीज फ्रैक्चर्स, ये इंडिकेशन और यूजेस बच्चों दोनों ऑलमोस्ट जो है वो टू सम एक्सटेंट मिक्स ही है, ठीक है. डिजनरेटिव कंडीशन सच एज स्टीनोसिस, आपको पता है स्टीनोसिस में क्या होता है कि बिल्कुल नैरो जो है वो वहाँ से जहाँ से आर्टरी नर्व पास करी होती है वो जो है वो बिल्कुल नैरो हो जाता है पैसेज में, और वहाँ पे हमने अगर देखना हो, ठीक है, कि वर्ट्रिबल एरियाज में जो है कहीं पे कोई नैरोइंग तो नहीं हुई, तो भी आप सीटी करा सकते हैं, ठीक है. उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर हमें एक्सरे भी नहीं क्लियर हो रहा कि क्या डिजनरेटिव चेंजेस आ रही हैं जॉइंट्स के अंदर, तो हम सीटी करा सकते हैं, ठीक है. उसके अलावा यहाँ पे मेंशन है व्हेन एमआरआई इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. अब ये बड़ा अच्छा एक बच्चों पॉइंट है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैम हम सीटी तब भी रेफर करते हैं पेशेंट को जब एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है. अब एमआरआई कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है. एमआरआई बेटा तब कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है, नंबर ऑफ कंडीशंस हो सकती हैं. अगर आपको मैं एक इस वक्त यहाँ पे बताऊँ तो अगर कोई पेशेंट का पेसमेकर लगा हुआ है, ठीक है ना, कोई अंदर जो है वो कोई इस तरह की मोडेलिटी पेशेंट के अंदर बॉडी में इंसर्ट हुई हुई है, तो हम जो है वो एमआरआई नहीं कराएंगे, क्योंकि वो जो मैग्नेटिक, क्योंकि इसमें रेज होती है, तो वो क्या होगा कि वो उसको जो है वो कैच कर लेंगी और पेशेंट को जो है वो डेंजर, पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकती है, ठीक है. मैम हेयरिंग एड के पेशेंट को जो हेयरिंग एड यूज करते हैं उनमें भी नहीं होगा? हेयरिंग एड में बेटा, हेयरिंग एड का देखिए ये चीज है कि हेयरिंग एड को आप रिमूव कर सकते हैं ना. हेयरिंग एड एडजस्टेबल होता है ना बेटा, आप रिमूव भी कर सकते हैं. तो अगर आपने एमआरआई कराना है आप इसे उसको रिमूव कर दें, लेकिन ऐसी चीज जो कि बॉडी के अंदर इंसर्ट हुई हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया पेसमेकर लगा हुआ है, ठीक है, या पेशेंट ने कोई रॉड डली हुई है, कोई इसका फ्रैक्चर हुआ था और उसकी डॉक्टर ने वहाँ पे रॉड डाल दिया, कोई नेल्स डाल दी है, तो उस केस में जो है वो फिर हम नहीं कर सकते. हेयरिंग एड तो हम रिमूव कर सकते हैं ना. इसी तरह से इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ भी इन्होंने कहा था स्ट्रोक के पेशेंट में, नियोप्लास्टिक कंडीशंस जैसे अभी हमने देखा है, कैंसर, ठीक है, इन्फेक्शन कंडीशंस, कोई भी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्प्रेड किया हुआ है हमें नहीं पता चल रहा, वो जाके इन्फेक्शन ने बोन को कहीं जाके भी इफेक्ट कर दिया, तो हम उसको लेवल पे भी जो है वो देख सकते हैं. जी बेटा. मैम ये आपने कहा कि स्टीनोसिस में हम कर सकते हैं, तो हार्ट में भी तो स्टीनोसिस हो जाता है, तो कभी सुना नहीं है सके हार्ट की सीटी हुई है. बेटा मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है डीजनरेटिव कंडीशंस, ठीक है, हार्ट में भी स्टीनोसिस हो सकता है, लेकिन आप देखिए हमारे पास वहाँ पे अल्टरनेटिव है ना, क्या है अल्टरनेटिव, जरा गैस करें आप. जी मैम वो स्टंट वगैरह क्या बता रही हैं कि स्टंट डाल सकते हैं? नहीं नहीं बेटा, अगर हमें डायग्नोस करना हो, अगर हार्ट में आपको लगता है कि कहीं कोई ब्लॉकेज हुआ हुआ है और हमने उसको डायग्नोस करना हो, तो क्या करेंगे? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये. हाँ शाबाश, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है. स्टीनोसिस वहाँ पे अगर देखना होगा तो हम एंजियोग्राफी कर लेंगे, वहाँ पे सीटी नहीं करेंगे. अच्छा जी, उसके बाद फिर आ जाता है बेटा, ये आप लोग जब पढ़ लेंगे ना इंशाल्लाह, तो आपको ये सारी चीजें बड़ी अच्छे क्लियर हो जाएंगी. अभी थोड़ा सा मिक्स होगा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि साथ साथ जो है ये पढ़ते रहें. एबनॉर्मेलिटीज ऑफ बोनी अलाइनमेंट सच एज स्कोलियोसिस, ठीक है जी, कोई आपको पता है स्कोलियोसिस में जो हमारे स्पाइन है उसकी सी शेप्ड हो जाती है, अगर उसका एंगल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, 45 से क्रॉस कर गया और हमें लगता है कि हमने सर्जरी करनी है, तो उसके लिए भी हम खाली एक्सरे नहीं करेंगे. हम हमारी कोशिश होती है कि हम पेशेंट को सीटी करवा लें ताकि हमें एक क्रॉस सेक्शनल इमेज में पता चल जाए कि किस लेवल तक जो है वो उसकी बोनी डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है. फिर प्रोसेसिंग इन्वॉल्विंग द स्पाइनल कॉर्ड व्हेन एमआरआई इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि कहीं पे भी जब हाँ हमारे पास एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तब भी हमने अगर पेशेंट का एक मजीद अच्छा इमेज लेना हो और हमें एक्सरे से ना क्लियर हो रही हो बात, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को सीटी रेफर कर देते हैं.
हाँ बेटा, आप ये पिक्चर देख के आपको वो बात क्लियर हो जाएगी जो मैंने आपको सीटी की बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में बताई थी कि हम सीटी हमें क्या करता है, हेल्प करता है पेशेंट के इमेजेस को किसमें स्लाइसेस में लेने के लिए, ठीक है, या क्रॉस सेक्शनल इमेज लेने के लिए। अब आप ये देखें, ये एक पेशेंट जो है वो लेटा हुआ है, ठीक है, उसका सीटी हुआ। अब आप देख रहे हैं, ये आपको नजर आ रही है लाइंस, ये क्या है, ये स्लाइसेस हैं। उस सीटी ने क्या किया है, सीटी ने पेशेंट के ब्रेन को स्लाइसेस में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अगर हम ये देखें कि सबसे ऊपर वाला इमेज हमारे पास क्या नजर आ रहा है, स्कल नजर आ रहा है, ठीक है ना। अगर पेशेंट का कोई फ्रैक्चर हुआ है स्कल में, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर सेकंड इमेज ये नजर हमें सीटी इस तरह का दिखाता है। इसमें क्या है, हमें बता रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में तो कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इंटैक्ट है, ओके फाइन। नेक्स्ट हम और नीचे आ जाते हैं ब्रेन में, नीचे क्या पड़ा हुआ है, इंटरनल कैप्सूल्स पड़ा हुआ है, गायरा सरकाए पड़े हुए हैं, हमें देखेंगे जी यहाँ पे कोई क्लॉट तो नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है फाइन। नेक्स्ट उससे नीचे आ जाएंगे, उससे नीचे वाली अगर स्लाइस में आएंगे तो हमारे पास क्या पड़ा होगा, सेरिबेलम पॉन्स मेडुला नजर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें सीटिंग ने हमें कैसे हेल्प किया, उसने हमें क्रॉस सेक्शनल इमेज दे दिया, ठीक है, और उसने क्या किया, हमें स्लाइस कर दिया, पूरे ब्रेन को पकड़ के उसने डिफरेंट स्लाइस के अंदर कट कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली बेटा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपसे पूछा जा सकता है कि हमने किसी के अगर जो है वो स्ट्रक्चर का, किसी भी बॉडी के ऑर्गन का हमने स्लाइसिस में इमेज लेना हो, क्रॉस सेक्शनल इमेज लेना हो, तो कौन सी मोडेलिटी इस्तेमाल करेंगे, तो आप बताएंगे सीटी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसी तरह से आप देख लें बच्चे, ये मैंने जैसे आपको बताया था कि हम फ्रैक्चर वगैरह के केस में भी सीटी जो है वो पेशेंट को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें, ये एंकल का सीटी लिया गया है, जिसमें आप ये देखें ये पहले बिल्कुल सारी आपको टार्सल मेटाटार्सल्स नजर आ रही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इमेज में क्या हुआ है, उसने मजीद विजुलाइज कर दिया, ठीक है, जो नेक बोन्स हैं वो उसने ख़त्म करके मजीद इसको विजुलाइज कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक उसने क्रॉस सेक्शनल इमेज दे दिया कि कहीं यहाँ पे तो कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई जो है वो डिजेनरेटिव चेंजेस तो नहीं आई, आपको पता चल गया, ठीक है। फिर उसने उसका जो है वो आपको टिबिया और फिब्यूला का जो है वो एक क्रॉस सेक्शन इमेज दे दिया, ठीक है, तो सार्टेलस का भी दे दिया। मतलब आप देखें कि सीटी क्या कर रहा है कि आपके किसी भी एरिया को डिफरेंट स्लाइस के अंदर जो है वो क्या कर रहा है, कट कर कर आपको दिखा रहा है कि कहीं जो है वो आप उसको कीनली डीपली ऑब्जर्व कर सकें कि एबनॉर्मेलिटी या डिजेनरेटिव चेंजेस कहाँ तक आए हुए हैं, ठीक है बेटा। तो आई थिंक कि आपको सीटी जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि सीटी में जो है वो हमारे पास एक्स रेज ही यूज हो रही होती हैं, लेकिन इसका जो मोस्ट हमारे पास बेनिफिट है वो ये है कि ये हमें क्रॉस सेक्शनल या स्लाइसिस में इमेज देता है, ठीक है, और जहाँ पे हमारे पास एम आर आई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और हमें एक्स रे से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, क्लियर नहीं हो रही जो है वो डिजीज, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को सीटी रेफर कर देंगे, ठीक है बेटा। तो हमने दो पढ़ ली, एक्सरे एंड सीटी। थर्ड आ जाता है हमारे पास अब फ्लोरोस्कोपी। अब फ्लोरोस्कोपी क्या है, फ्लोरोस्कोपी इज बेस्ड ऑन एक्सरेज, एक्सरे ट्यूब इज इंस्टॉल्ड। इसका क्या मतलब है कि फ्लोरोस्कोपी में भी हमारे पास एक्सरेज ही हम यूज करके पेशेंट का इमेज बना रहे हैं। रेडिएशन डोज इज हायर देन रेडियोग्राफी, प्रोवाइड बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक इमेजेस। फ्लोरोस्कोपी इज सिमिलर टू रेडियोग्राफी एंड एक्सरे सीटी इन दैट इट इज जनरेटेड इमेजेस यूजिंग एक्सरेज। X-ray and CT scan provide only still images on film, whereas fluoroscopy provide live moving pictures that were not stored. It provides spot pictures and video recording. ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे important चीज क्या आ गई है, मैंने आपको X-ray और CT में difference बता दिया था, ठीक है। अब आप देखें कि CT, X-ray और fluoroscopy में क्या difference है, इन तीनों में जो difference है वो क्या है कि fluoroscopy हमें क्या कर रही है, ये still या static image नहीं दे रही, ये हमें क्या कर रही है, video recording दे रही है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये आपको एक्सरे मूवी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, कि एक्सरे की एक मूवी चल रही है, यानी कि होगा एक्सरे की तरह का ही इमेज, ठीक है, लेकिन वो आपको मूवी की फॉर्म में नजर आएगा, एक चलता हुआ इमेज आपको नजर आएगा, डायनामिक इमेज नजर आएगा, स्टैटिक इमेज नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस सीटी में, एक्सरे में और फ्लोरोस्कोपी में, ठीक है। और जो इनमें अगर हम देखें कि सिमिलैरिटी है, तो सिमिलैरिटी क्या है कि ये जो है इसमें एक्सरेज इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, और ये आपको स्टैटिक इमेज भी दे रहा है, ठीक है, यानी कि फ्लोरोस्कोपी एक्सरे आपको स्टैटिक इमेज भी दे रहा है, डायनामिक इमेज भी दे रहा है, ठीक है, और जो इसमें रेज यूज हो रही है वो कौन सी यूज हो रही है, एक्सरेज जो है वो यूज हो रही है। अब मैं आपको डिफरेंस इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि आपसे वाइवा में इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं कि फ्लोरोस्कोपी और सीटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, या फ्लोरोस्कोपी और एक्सरे में जो है वो क्या डिफरेंस है, ठीक है, या फ्लोरोस्कोपी और एक्सरे में क्या सिमिलैरिटी है, तो आपको पता होना चाहिए जी। आप देखें हमने तीन पढ़ी है, एक्सरे पढ़ा है, सीटी पढ़ा है, फ्लोरोस्कोपी पढ़ा है, ठीक है, तीनों में ही हमारे पास जो मैंने आपको बताया रेडिएशन है वो कौन सी है, एक्स रेज है, ठीक है। फिर तीनों में इसी तरह से आपने डिफरेंस भी जो है वो देख लेना है। इस तरह से आपके पास ये जिस तरह से हमने देखा था कि एक्सरे की एक मशीन थी, सीटी की मशीन थी, इसी तरह से हमारे पास फ्लोरोस्कोपी के लिए भी जो है वो स्पेसिफिक जो है वो मशीन होती है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हम पेशेंट को लिटा देते हैं, एक्सरे ट्यूब से रेज जनरेट होती हैं,
कन्फाइंड फॉर्म में पैरेलल फॉर्म में जो है वो क्रॉस करती है पेशेंट को, उसके ऊपर फिर हमारे पास एक स्कैटर एक्सरे स्कैटर ग्रिड लगा होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सरे मशीन में हमारे पास एक्सरे डिटेक्टर लगा हुआ था, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे स्कैटर ग्रिड लगा हुआ है। अब अगे एक और देखें चेंज आ गया, अगर आप जरा उसको ज्यादा इन डिटेल देखें तो आपको एक और चीज समझ आएगी, एक्सरे मशीन में जो स्कैटर लगा हुआ था डिटेक्टर लगा हुआ तो कहाँ लगा हुआ था, बेड के नीचे लगा हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पे जो लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, मैं आपको एक दफा फिर से दिखा देती हूँ, ये देखें, देखिए डिटेक्टर कहाँ लगा हुआ है, ऊपर से रेज आ रही है और डिटेक्टर नीचे लगा हुआ है, ऐसे ही है, ठीक है, और जो फ्लोरोस्कोपी है उसमें क्या हो गया, ये चीज ऑपोजिट हो गई है, ठीक है, ये चीज ऑपोजिट हो गई है, एक्सरे नीचे चला गया, जनरेटर नीचे चला गया और जो डिटेक्टर है वो ऊपर आ गया, ठीक है, ये चीज आप, ये भी आप एक ऐड कर सकते हैं पॉइंट। उसके बाद फिर ये हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर होता है, ये इमेज को इंटेंसिफाई करता है, वो वायर्स ऑप्टिक कपलिंग वायर्स होती हैं यहाँ से पास करते हैं और कैमरा उसको जो है वो प्रॉपर फिल्म में आपको जो है वो फिर एक कैमरे के ऊपर जो है वो प्रॉपर शो कर देता है। देखिए बेटा, तो आई होप कि फ्लोरोस्कोपी भी आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देन इसके क्या यूजेस हैं, आप इसको हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जितनी भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी उन सब टेक्निक्स में हम फ्लोरोस्कोपी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से उसमें कार्डिक कैथेटराइजेशन भी था, यूरोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी पेशेंट के यूरेटर में प्रॉब्लम आ रहा है और आप उसको लाइव इमेजिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, एंडोस्कोपी के लिए आप देख सकते हैं, एंडोस्कोपी आपको पता है क्या होती है कि जिसमें हम एक ट्यूब जो है वो बॉडी में कहीं पे भी इंसर्ट करके तो उसकी लाइव मॉनिटरिंग कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था फ्लूइड एब्सेस जब हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो ट्यूब इंसर्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ पे, एब्सेस कहाँ कटी हुई है बॉडी में और ड्रेन करके उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो ट्यूब इस्तेमाल करें वो आप फ्लोरोस्कोपी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जी आई टी स्टडीज, अब आप देखिए यहाँ पे बेटा आपसे मैं इस तरह भी पूछ सकती हूँ कि हमें फ्लोरोस्कोपी जी आई टी स्टडीज में हेल्प करती है, कोई कंडीशन बता दें, ठीक है, तो आप फिर आगे से ब्लैंक हो जाते हैं कि जी हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, तो आप थोड़ा सा इस अपने माइंड को ना ब्रॉड करके सोचा करें, अब जी आई टी स्टडीज में अगर हमने फ्लोरोस्कोपी यूज करनी है तो क्या कंडीशन हो सकती है कि जिसमें हमें जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना, कोई भी एक बच्चा मुझे जल्दी से शाबाश बताए। शाबाश, ठीक है ना, कोई कैंसर हो सकता है, कोई अल्सर डेवलप हो सकता है वहां पे हमारे पास, ठीक है ना, कोई पेशेंट आपके पास आ गया उसको बार बार क्रोनिक, वो कहते हैं मुझे 2-3 महीने से डायरिया है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कोई और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आ गई और आप उसको मॉनिटर करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लोरोस्कोपी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी बच्चे, अब ये जो है वो मैंने एक इमेज दिखाया हुआ है, बेसिकली उसमें क्या है, बेरियम एनीमा ऑफ शोइंग नॉर्मल कोलोन म्यूकोसा, ठीक है, अब बेरियम एनीमा क्या है कि बेसिकली हम फ्लोरोस्कोपी में जो है वो इमेज को मजीद विजुलाइज करने के लिए, मजीद क्लियर करने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी एक जो है वो आइसोटोप या कोई एक जिसको आप मेडिसिन समझ लें कि वो इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है, जिस एरिया को हमने विजुलाइज करना हो, ठीक है, जैसे कि इस पेशेंट के हमने जो है वो कोलोन को जो था वो क्या करना था, विजुलाइज करना था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके रेक्टम से एक जो है वो बेरियम हमने इंजेक्ट किया, ठीक है, एक ट्यूब के थ्रू, उसने फिर क्या किया कि जाके हमें इसको मजीद जो है वो इस तरह से क्लियर करके इमेज हमें जो है वो दिखा दिया स्क्रीन के ऊपर और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई कैंसर तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल टिश्यू तो नहीं डेवलप हुआ हुआ, कोई नोड्यूल तो नहीं बना हुआ, कोई मैस तो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, तो इससे ये हमारे पास इस तरह से एक इमेज आ जाता है, ठीक है। अब आप देखें कि अगर आप इसका एक्सरे कराते तो आपके पास इस तरह से इमेज ना आता, एंड फ्लोरोस्कोपी ने हमें जो है वो हेल्प की है मजीद उसको विजुलाइज करके इमेज को दिखाने के लिए, ठीक है बच्चे। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया है, तीनों में एक्सरे भी हमने पढ़ लिया, सीटी भी पढ़ लिया, फ्लोरोस्कोपी भी पढ़ लिया, इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर हमने यूज करनी हो इन जो है वो मोडेलिटीज को तो वो हम क्यों यूज कर रहे होते हैं। अच्छा बच्चे, उसके बाद आ रहता है हमारे पास अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड बड़ा कॉमन आप सबने ही शायद सुना हो जी अल्ट्रासाउंड, तो ठीक है हम करते हैं अल्ट्रासाउंड। Ultrasound is a type of imaging which uses high frequency sound waves to look at organs and structures inside the body. Healthcare professionals use it to view the heart, blood vessels, kidney, liver and other organs. Ultrasound is considered always safe for both patients and healthcare professionals. No ionizing radiations are generated. ठीक है बेटा, अब आप देखें अगर आपको पीछे वाले सारे समझ आ गए तो आपको बड़ा सबसे पहले तो एक क्लियर बात यहाँ पे हो जानी चाहिए कि अल्ट्रासाउंड में हम क्या कर रहे हैं, साउंड वेव्स जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, और साउंड वेव्स क्या है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, वो आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं है, ठीक है, इसीलिए ही आप देखें कि हम प्रेगनेंसी में जब आप फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी में रेगुलर चेकअप के लिए जाती है तो वो अल्ट्रासाउंड बार बार कर रही होती है, ठीक है ना, हम उसका रेगुलर अल्ट्रासाउंड करवा रहे होते हैं और अंदर फीटस बेबी पड़ा हुआ है, ठीक है ना,
तो हम देखेंगे रेज जो है वो बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। लेकिन अल्ट्रासाउंड चूंकि हमारे पास में साउंड वेव्स यूज हो रही है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, इस वजह से वो हम कहते हैं कंसिडर करते हैं उसको कि वो क्या है, लेस हार्मफुल है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर बोथ पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन में बताया था कि बेटा देखिए जो रेडियोलॉजिस्ट है अगर वो बार जो है वो प्रोटेक्शन नहीं ले रहा तो उसको भी एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है ना, वो भी इरेडिएटेड हो सकता है रेस को लेके, उसको भी कैंसर हो सकता है और उसको भी जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो रेस के होने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। तो अल्ट्रासाउंड चूंकि साउंड वेव्स है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, इसलिए इसको हम जो है वो क्या करते हैं, सेफ कंसिडर करते हैं। और उसके अलावा आप इसको भी हार्ट को, ब्लड वेसल्स को, किडनी को, लिवर को विजुलाइज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा पेट में कहीं दर्द हो रही है, ठीक है, डॉक्टर कहता है हो सकता है अपेंडिक्स हो, राइट साइड पे फॉर एग्जांपल पेन हो रही है, डॉक्टर कहते हैं हो सकता है अपेंडिक्स हो, आप क्या करवाएंगे जी, अल्ट्रासाउंड एब्डोमिन करवा के आए, या फिर वहाँ पे डॉक्टर स्पेसिफिकली जो है वो क्या करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट आपके राइट क्वाड्रेंट में देखेंगे कि अपेंडिक्स जो है वो इंटैक्ट है नहीं है या क्या है, ठीक है जी। तो उसके बाद ये आपने देखा होगा कि इस तरह की मशीन होती है हमारे पास, इसमें एक मॉनिटर लगा होता है, ये ट्रांसड्यूसर होता है जो कि बेसिकली क्या करता है, हेल्प कर रहा होता है सारी साउंड वेव्स को जो है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। उसका इमेज फिर आपके पास इस मॉनिटर के ऊपर आ जाएगा। ये आपने जो नीचे सीडी या डीवीडी एक लगी हुई होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि वो जो हमें इमेज आ रहा होता है अल्ट्रासाउंड का, वो एक पिक्चर आ रही होती है, ठीक है ना, और एट द स्पॉट ही वो आपको निकल के बाहर आ जाती है, तो वो इस डीवीडी की हेल्प से आ रही होती है। देन अल्ट्रासाउंड के यूजेस क्या है हमारे पास, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर एंड फाइब्रोएडिनोमास, ठीक है। अब आपने शायद सुना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है वो इसके लिए अल्ट्रासाउंड भी यूज़ करते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आपके पास कम एज के लोग आते हैं, 30 ईयर से कम के लोग होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें भी हम जो है वो कोई एबनॉर्मल टिश्यू या अगर हमने कैंसर को डिटेक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं। देन थायरॉयड अल्ट्रासाउंड फॉर थायरॉयड ग्लैंड डिसऑर्डर्स, ठीक है जी, थायरॉयड ग्लैंड का अगर हमें कोई डिसऑर्डर लगता है, कैंसर लगता है, तो उसके लिए भी आप अर्ली डिटेक्शन के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं। देन एबडोमिनल अल्ट्रासाउंड फॉर एवेलुएशन ऑफ लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियास, गॉल ब्लडर, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि कहीं पे भी एब्डोमिन में हमें पेन हो रही होती है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको कहता है आप जो है वो एब्डोमिन अल्ट्रासाउंड करवा के आए। देन पेल्विस अल्ट्रासाउंड फॉर एवैल्यूएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिजीजेस, ठीक है। ये भी आपने शायद सुना हो कि कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कोई डिजीज होती है, जैसे कि आजकल गर्ल्स में PCOS बहुत कॉमन है, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस बहुत कॉमन है, वो कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं जी हो सकता है अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया हो, कोई सिस्ट बन गई हो या कुछ भी बन गया हो, तो आप पेल्विस का अल्ट्रासाउंड करवा के हैं, ठीक है। देन ब्रेन अल्ट्रासाउंड ऑफ न्यू बॉर्न टू एलिवेट हाइड्रोसेफलस, ठीक है जी। इसी तरह से हम जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके ब्रेन का अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि जो है हमें न्यू नेटलाइज जो है वो बच्चों के लिए या न्यू नेट्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए देखना पड़ता है कि हम स्पेसिफिकली कौन सी रेडियोलॉजिकल मोडलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखना होता है कि वो बच्चे के लिए जो है वो हार्मफुल ना हो जाए, ठीक है। जैसे अभी आप भी किसी स्टूडेंट ने कहा था कि पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी क्या है, ठीक है, तो आप देखिए पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी जब आप इन डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम अल्ट्रासाउंड ब्रेन कर सकते हैं बच्चों में अगर हमने देखना हो कि हाइड्रोसेफलस तो नहीं है या कोई और एबनॉर्मलिटी ब्रेन के अंदर तो नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो क्या है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है और बच्चे के ब्रेन को बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं करेंगे। Then obstetric ultrasound is the only safe and accurate method for fetus observation. It is safe modality for both mother and fetus. ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया है कि फीटस के ऑब्जर्वेशन के लिए भी हम इन रेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यहीं से देख लें कि ये रेज जो है वो आपको कितना लेस जो है वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। देन कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड फॉर वेरिकोज वेन्स, ठीक है जी। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड आपको पता है वेरिकोज वेन्स, जैसे कि हमने पहले देखा था जिसमें वेन्स में जब आपके वेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, वेरिकोज वेन्स बन जाती हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि एक कलर डाई इंजेक्ट करते हैं वेन के अंदर, ठीक है, और वो जो है वो फिर आपको अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है वो उसका इमेज जो है वो बड़ा क्लियरली नजर आ जाता है। देन कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड, कैरोटिड आर्टरीज आपको पता है कि हमारे पास कहाँ पे होती हैं, कैरोटिड आर्टरीज होती हैं हमारे पास आपके जो कि हार्ट से सप्लाई करी होती हैं, कहाँ पे, हेड नेक एंड ब्रेन को, वो आर्टरीज जो कि हेड नेक और फेस को सप्लाई करी होती हैं वो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमने उन आर्टरीज को स्पेसिफिकली विजुलाइज करना हो कि कैरोटिड आर्टरी में कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा, नैरो तो नहीं हो गई, तो उसके लिए आप कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डॉपलर इसका नाम इसलिए हम रखते हैं क्योंकि इसमें हम जो है वो कलरफुल इमेज आपको जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। जब हम इंशाल्लाह अल्ट्रासाउंड इन डिटेल पढ़ेंगे पूरा लेक्चर, तो फिर आपको ये सारा जो है वो ज़्यादा ईजिली क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि बेटा उसके बाद ये आपको नजर आ रहा है इमेज सामने, ये आपके पास एक किडनी है, ठीक है जी, ये वाला अल्ट्रासाउंड का इमेज हमें किडनी शो कर रहा है, ठीक है, और ये जो है वो ऑब्स्ट्रेक्ट्रिक अल्ट्रासाउंड है जो कि आपको फीटस की पोजीशन और फीटस का बारे में बता रहा है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि अल्ट्रासाउंड वेव साउंड वेव इस्तेमाल हो रही होती है इसके अंदर, ठीक है, जो कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, पेशेंट के लिए और रेडियोलॉजिस्ट दोनों के लिए बड़ी सेफ है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने आपको मशीन का थोड़ा सा बता दिया कि मशीन जो है वो किस तरह से, उसके अंदर क्या क्या जो है वो आपके पास इक्विपमेंट अटैच होता है, फिर उसके हमने स्पेसिफिकली जो है वो यूजेस देखनी है कि क्या उसके यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। आप जो है वो कहीं भी पेल्विक ऑर्गन्स को आपने मॉनिटर करना हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एब्डोमिनल जो है कंटेंट्स हमारे वहाँ पे जो ऑर्गन्स पड़े हुए हैं उसको विजुलाइज करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी नियोनेट्स में हमने ब्रेन की कोई अबनॉर्मैलिटी देखनी है, हाइड्रोसेप्टस देखना है, उसके लिए भी हम इसको ईजिली विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम सेफ कंसिडर भी करते हैं क्योंकि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। ओके बच्चे, तो ये आप बेसिकली था हमारा फर्स्ट लेक्चर और अब हम सेकंड लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जी बच्चे, मैम फ्लोरोस्कोपी एंड इमेज गाइडेड इंटरवेंशन सेम है? हाँ जी बेटा, फ्लोरोस्कोपी को भी हम यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इमेज गाइडेड इंटरवेंशन क्या होती है मैम, जिसमें साथ कैमरे में मतलब नजर आता है मॉनिटर पे जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं लैप्रोस्कोपी में। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया था ना बेटा, फ्लोरोस्कोपी को हम एज अ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। okay. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी यूज कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो इमेज गाइडेड इंटरवेंशन के तौर पे हमें यूज कर सकते हैं। अच्छा जी बच्चे, अब हम क्योंकि टाइम हमारे पास कितना है मैं देख लूं ताकि हम थोड़ा सा ये नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, टाइम है। हाँ जी बच्चे, मैम जैसे हम ब्रेन का एक्सरे सीटी और अल्ट्रासाउंड तीनों करवाते हैं तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि हमने किस टाइम में पेशेंट को किस चीज के लिए रेफर करना है कि वो अल्ट्रासाउंड की तरफ जाए या एक्सरे की तरफ जाए, या क्या मतलब इसमें होता है कि हम जिससे डिफरेंशिएट करते हैं और पेशेंट को आगे बताते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं या जी स्पेसिफिकली ब्रेन के लिए। बेटा देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर जो न्यूनेट्स है ना, अगर बच्चा है, ठीक है ना, बिल्कुल न्यू बॉर्न है, 5-6 मंथ का है, तो आप प्रेफर करेंगे अल्ट्रासाउंड, ठीक है। लेकिन द थिंग इज के हिस्ट्री जो है ना बेटा पेशेंट की, वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट आपके पास ट्रॉमा का साथ आया है, उसका कार का एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट जो है ना इमरजेंसी में आया हुआ है, तो ये तो श्योरिटी है कि उसके और हेड पे आपको इंजरी नजर आ रही है, ठीक है ना, हेड ट्रोमा नजर आ रहा है, तो इसके हमारे पास श्योरिटी है कि ब्लीडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई आर्टरी रप्चर हुई है, ठीक है, और वहां पे क्लॉट बना होगा। तो हम बजाय इसके कि एक्सरे करवाएं, क्योंकि एक्सरे हमें इतना क्लियर इमेज नहीं देगा जितना सीटी हमें बताएगा कि क्लॉट बना हुआ है और कहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम एक्सरे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि हम एक्सरे कराएंगे, हमें एक्सरे नजर नहीं आएगा, फिर हम सीटी कराएंगे, फिर हम सीटी में देखेंगे, तो इतनी देर में तो क्या होगा कि पेशेंट को जो है वो स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इसको जल्दी जल्दी डायग्नोज करना है पेशेंट को उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि हम सीटी ही रेफर करेंगे ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था सीटी हमें क्रॉस सेक्शन इमेज दे रहा है, हमें फौरन से पता चल जाएगा कि उसके कहाँ पे जो है वो क्लॉट पड़ा हुआ है और हम उसको फौरन इमरजेंसी में सर्जरी कर देंगे, ठीक है। तो ये बेटा पेशेंट की ना कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, पेशेंट आपके पास किस कंडीशन में आया हुआ है, किस इंजरी के साथ है, एक्यूट कंडीशन में है आपके पास, है क्रॉनिक इंजरी के साथ आया हुआ है, इमरजेंसी में आया हुआ है, तो इस वजह से ना ये आपको थोड़ा सा मिक्स होगा, लेकिन इंशाल्लाह एट द एंड आपको ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा बच्चों, अब फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्टरी था, अब हम आज का बेसिकली लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर है तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट जो है वो फिर इंशाल्लाह हम वन वन मोडलिटी को इन डिटेल डिस्कस कर लें, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हमने एक्सरे पढ़ लिया, सीटी पढ़ लिया, फ्लोरोस्कोपी पढ़ लिया, हमने अल्ट्रासाउंड पढ़ लिया, नेक्स्ट आ रहे थे हमारे पास मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या है? मेमोग्राम स्पेशलाइज मेडिकल इमेजिंग टेस्ट दैट यूजेज अ लो डोज ऑफ एक्सरे टू एग्जामिन द ब्रेस्ट, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंड अदर ब्रेस्ट डिजीजेस। It is used as diagnostic and screening tool. It may even detect small tumors at initial stage. The women has more treatment options. X-ray usually have no side effects in the top typical diagnostic range for this exam. ठीक है, तो बेटा पहले ना हम लोग एक्सरे भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है, ब्रेस्ट को इमेज करने के लिए, ठीक है, देखने के लिए कि ब्रेस्ट में कोई कैंसर तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल टिश्यू तो नहीं वहाँ पर डिवेलप हो रहा, कोई लम्ब तो नहीं डिवेलप हो रहा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास मेमोग्राफी जो है वो हमने उसको जो है वो इन्वेंट हो गई, ठीक है, और मेमोग्राफी में भी यूज तो एक्सरेज ही हो रही है, ठीक है, लेकिन वो हमें जो इमेज दे रहा होता है उसको मजीद मॉडिफाई करके दे रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए यूज करते हैं या ब्रेस्ट की कोई भी डिजीज हो, और अर्ली डिटेक्शन देखें जब हो जाती है पेशेंट की तो उससे क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकते हैं,
पेशेंट के पास, ठीक है। इस वजह से क्योंकि आप देखें कीमोथेरेपी हम सिर्फ रेस के थ्रू नहीं देते, ओरल कीमोथेरेपी मेडिसिन भी होती है ना, अगर आपने सुना हो, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है कि पेशेंट आता है जी, कहते हैं ये थर्ड स्टेज पे है कैंसर की, इनको रेडिएशन की डोज पे लगा देते हैं, ठीक है। पेशेंट कीमोथेरेपी लेता है, रेडिएशन की डोजेस लेता है, दो तीन महीने बाद क्या होता है वो कहते हैं दोबारा से जब हम कोई भी डायग्नोस्टिक टूल कराते हैं यूज मैमोग्राफी कराई, हम कहते हैं जी अब क्या हो रहा है कि कैंसर काफी हद तक बेहतर हो गया, फिर क्या करता है डॉक्टर जो है ना वो शिफ्ट कर देता है पेशेंट को, वो उसको जो है वो कीमोथेरेपी से ओरल कीमोथेरेपी पे ले जाता है, यानी कि मेडिकेशंस के थ्रू से कीमोथेरेपी देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप जो है वो इनिशियल स्टेज पे भी हैं तो आपको कीमोथेरेपी की जरूरत है। हमारे पास जितना अर्ली डिटेक्शन हो जाती है किसी भी डिजीज की, उतना हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद ये अब आप देखें, बेसिकली मैंने एक सिंपल सा इमेज ऐड किया हुआ है कि ये आपके पास पेशेंट के ब्रेस्ट का एक इमेज है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास मैमोग्राफी शोइंग अ सस्पिशियस मास इन द राइट ब्रेस्ट, ठीक है। मैमोग्राफी ने हमें शो कर दिया है कि यहाँ पे क्या है, कोई सस्पिशियस मास है, कोई अबनॉर्मल मास डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है। तो फिर इसको जो है वो हम उसके मुताबिक देख लेते हैं आगे मजीद। अब यहाँ तक आप देख लें, इसके अलावा जब इंशाल्लाह मैमोग्राफी भी हम थोड़ा सा इन डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर उसको देख लेंगे। देन MRI इज अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इज अ टाइप ऑफ स्कैन दैट यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड रेडियो वेव्स टू प्रोड्यूस डिटेल इमेजेस ऑफ इनसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब आप देखें कि MRI में जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, रेडियो वेव्स यूज हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो है ये क्या कर रही हैं, इमेज जो है वो क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब अगर पेशेंट को कोई पेसमेकर डला हुआ है, कोई रॉड डली हुई है, तो उसमें हमारी जो है वो हम MRI को कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर देते हैं। एंड MRI स्कैनर इज अ लार्ज ट्यूब दैट कंटेन्स पावरफुल मैग्नेट्स एंड कॉयल्स, यू लाई इनसाइड द ट्यूब ड्यूरिंग द स्कैन। एंड MRI स्कैन डिफरेंस फ्रॉम CT स्कैन एंड एक्सरेज बिकॉज इट डज नॉट यूज आयनाइजिंग रेडिएशन दैट कैन बी पोटेंशियली हार्मफुल टू द पेशेंट, ठीक है बेटा। तो अब ये आप देखें, यहाँ पे आपने काफ़ी सारे पढ़ ली हैं स्पेशलिटीज पढ़ ली रेडियोलॉजी की, अब आपको पता चल जाना चाहिए कि किसमें हम एक्सरेज यूज़ हो रही थी और किसमें जो है वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ हो रही है। अल्ट्रासाउंड में हमारे पास साउंड वेव यूज़ हो रही थी, ठीक है। इसी तरह से जो MRI है उसमें हमारे पास भी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ हो रही है, जो कि हमारे पास रेडियो वेव्स हैं। तो इसलिए हम MRI को भी कह सकते हैं कि ये बॉडी पेशेंट के लिए जो है वो लेस हार्मफुल है, ठीक है जी। अब इस तरह की ये एक अदद आपके पास मशीन होती है, ठीक है, जिसमें ये कॉइल्ड ट्यूब टाइप एक मशीन होती है, जिसमें आप पेशेंट को जो है वो पेशेंट इसके अंदर मशीन में चला जाता है, यहाँ पे मैग्नेटिक जो है वो कॉइल्स अटैच हुई होती हैं, ठीक है, वहाँ पे और रेडियो वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं और वो पेशेंट का जो है वो हमें इमेज एक फिल्म के ऊपर जो है वो दे देती हैं। व्हाट आर MRI स्कैन्स यूज्ड फॉर? एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी, कोई भी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की नॉर्मेलिटी है, ट्यूमर सिस्ट, अदर एबनॉर्मेलिटीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इंजरीज ऑफ एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द जॉइंट सच एज बैक पेन, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा बैक पेन हो रही है, फिजियोथेरेपिस्ट है चूंकि आप लोग, ठीक है, तो बैक पेन हो रही है तो डॉक्टर कहते हैं MRI करवा के आए, ठीक है ना, नबोसैक्रल MRI करवा के हैं, इस तरह कह सकते हैं। तो वो बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए कि क्या एबनॉर्मलिटी है। सर्टेन टाइप्स ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स, डिजीजेस ऑफ द लिवर एंड अदर एबडोमिनल ऑर्गन्स, कॉजेज ऑफ पेल्विक पेन इन वुमेन, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है आपके फाइब्रॉइड्स, बेसिकली एबनॉर्मल ग्रोथ होती है आपके जो है वो पेल्विक ऑर्गन्स में, ठीक है, एबनॉर्मल टिश्यूज ग्रो कर जाते हैं वहाँ पे। इसी तरह से एंडोमेट्रियोसिस, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है हमारी यूट्रस की, उसकी एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। सस्पेक्टेड यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज इन वुमेन अंडरगोइंग इवैल्यूएशन फॉर इनफर्टिलिटी, ठीक है जी, अगर कोई पेशेंट है उसको इनफर्टिलिटी है कि बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड के बाद हम MRI स्कैन भी करके देख सकते हैं कि कहीं टिशू में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। MRI कंट्रास्ट स्टडीज आर ऑल्सो डन टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ अ सर्टन बॉडी टिश्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बेटा क्या है, MRI कंट्रास्ट स्टडी का क्या मतलब है, ठीक है। MRI कंट्रास्ट स्टडी का ये मतलब है कि हम इसमें कोई जहाँ कंट्रास्ट आ जाता है ना, इसका मतलब होता है कि कोई मेडिसिन या कोई डाई हमने इंजेक्ट करना है पेशेंट के अंदर, ठीक है, और वो क्या करेगा, वो उस डाई जाके पेशेंट के जो भी ऑर्गन है, जो भी टिश्यू है, उसको मजीद विजुलाइज्ड कर देगा और हमें एक बड़ा क्लियर समेज नजर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था फ्लोरोस्कोपी में हमने बेरियम अनिमा जो है वो कोलोन के अंदर इंजेक्ट किया था, तो हमें बड़ा क्लियर सा एक कोलोन का इमेज आ गया था, ठीक है। इसी तरह से MRI में भी हम ये कर सकते हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सा ज़्यादा इजी अल्फाज में बताऊं तो हम यूजुअली अगर हमने टिश्यूज़ की स्टडी डीप लेवल पे जाके करनी हो ना, टिश्यूज़ को देखना हो, देखिए टिश्यू जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ या नहीं हुआ टिश्यू का स्ट्रक्चर, तो हम मोस्टली जो है वो MRI जो है वो रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, यहाँ पे आपको ये MRI ब्रेन नज़र आ रहा है और इसमें जो है वो हमारे पास बोन्स क्लियर नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या है, जो टिश्यूज़ हैं ब्रेन के, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको बड़ा क्लियर नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
इंटरनल कैप्सूल नजर आ रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स नजर आ रहा है, पोंस मेडुला सेरिबेलम नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखें अगर यहाँ पे कहीं पे कोई पेशेंट की इंजरी हुई हो, कोई क्लॉट हो, ठीक है, कोई ब्लॉकेज हो, तो वो आपको बड़ा इजीली एमआरआई के ऊपर जो है वो नजर आ जाएगा। ओके, सो मेमोग्राफी हो गई, ब्रेस्ट डिटेक्शन के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसमें एक्सरेज ही इस्तेमाल हो रही थी, एमआरआई जो है उसमें रेडियो वेव्स यूज हो रही है जो कि नॉन आयनाइजिंग है, और इसलिए हम उसको जो है वो लेस हार्मफुल कंसीडर कर रहे हैं। नंबर ऑफ कंडीशंस के लिए आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, देन व्हाट इज न्यूक्लियर मेडिसिन? न्यूक्लियर मेडिसिन, आप देखें बेटा यहाँ तक जो हमने बेसिकली पढ़ा है वो हमने पढ़ लिया है कि रेडियोलॉजी क्या थी, उसकी ब्रांचेस क्या थी, ठीक है, फिर उसकी स्पेशलिटीज क्या थी, एक्सरे था, सीटी था, एमआरआई था, मेमोग्राफी था, ठीक है, ये सारे स्पेशलिटीज हैं, और मैंने आपको वन बाय वन इन स्पेशलिटी के बारे में बता दिया होता क्या है और उसको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से रेडियोलॉजी में हमारे पास जो है वो एक सब स्पेशलिटी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको बींग अ फिजियोथेरेपिस्ट इसमें इसका यूज़ नहीं जो है वो होगा, इसलिए हम इसको बहुत इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो क्या होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन इज़ अ मेडिकल स्पेशलिटी दैट यूजेज रेडियो एक्टिव मटीरियल्स फॉर बोथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग डॉक्यूमेंट्स ऑर्गन फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब आप देखें सबसे पहला जो डिफरेंस बच्चे न्यूक्लियर मेडिसिन में और जो रेस्ट ऑफ द अभी स्पेशलिटीज हमने पढ़ी हैं उसमें ये है कि उन सब स्पेशलिटीज में क्या था, मशीन हमारे पास सोर्स थी और वहाँ से हमारे पास सारी रेज निकल के आ रही थी, ठीक है ना। सीटी में भी वहाँ से हमारे पास मशीन थी, वहाँ से रेज निकल रही थी, एक्सरे में भी हमारे पास मशीन से जनरेटर से रेज निकल रही थी, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन में और रेस्ट ऑफ द रेडियोलॉजी स्पेशलिटीज में ये डिफरेंस है कि न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या होता है कि आपके पास जो सोर्स होता है रेडिएशन का वो कौन होता है, पेशेंट होता है, मशीन नहीं होती, ठीक है। पेशेंट कैसे सोर्स होता है वो मैं आपको बताती हूँ। आप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मेडिसिन की ब्रांच जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को यूज़ कर रही है, ठीक है, यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स बेसिकली हमारे पास डिफरेंट रेडियो आइसोटॉप्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या आप समझ लेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो मेडिकेशन जो कि रेज जनरेट करती हैं जब हम उनको इंजेक्ट करते हैं, वो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स या रेडियो आइसोटॉप्स होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वो पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जब पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से रेज जनरेट होती हैं। तो इसका क्या मतलब है, रेज कहाँ से निकल रही हैं, पेशेंट की बॉडी के अंदर से रेज निकल रही हैं। तो न्यूक्लियर मेडिसिन में सोर्स क्या हो गया, मशीन ना हुआ, न्यूक्लियर मेडिसिन में रेडिएशन का सोर्स हमारे पास क्या हो गया, पेशेंट हो गया, ठीक है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग डॉक्यूमेंट्स ऑर्गन फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि ये हमें जो है उसका फंक्शन के बारे में ज़्यादा फोकस करेगी, स्ट्रक्चर के बारे में भी बताएगी लेकिन फंक्शन के बारे में ज़्यादा हमें जो है वो उसके ऊपर फोकस कर रही होगी। ब्रांच ऑफ मेडिकल इमेजिंग दैट यूजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, रेडियो आइसोटॉप्स टू डायग्नोज एंड डिटरमिन द सेवेरिटी ऑफ आवर वैरायटी ऑफ डिजीजेस इंक्लूडिंग मेनी टाइप ऑफ कैंसर्स, हार्ट डिजीजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एंडोक्राइन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड अदर एबनॉर्मलिटीज विद इन द बॉडी, ठीक है, कि हम रेडियो आइसोटॉप इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से हम देखेंगे कि कहीं पर कोई कैंसर टिश्यू तो नहीं है, कहीं हार्ट पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस भी आपने बॉडी के रीजन में जो है वो किसी चीज़ को डिटेक्ट करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन्स एम्फेसिस इज नॉट ओनली इमेजिंग एनाटमी बट ऑन फंक्शन, फॉर सच रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फिजियोलॉजिकल इमेजिंग मोडेलिटी। अब आई थिंक आपको यहाँ पे इस साइड पे आगे बेटा मेरे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो बाकी मोडेलिटीज थी हमारे पास रेडियोलॉजी में वो क्या कर रही थी, एनाटमी में फोकस कर रही थी ज़्यादा, ठीक है ना, हमें बता रही थी कि स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ रहा है। जो आपके पास न्यूक्लियर मेडिसिन है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस बताती है, ठीक है, कि फिजियोलॉजिकली चेंजेस क्या आ रहे हैं किसी भी टिश्यू के अंदर, इसीलिए ही हम इसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल इमेजिंग मोडेलिटी कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियर मेडिसिन और रेस्ट ऑफ द रेडियोलॉजिकल स्पेशलिटीज में क्या डिफरेंस है, तो आप मुझे बताएंगे कि मैम ये डिफरेंस है कि ये जो है वो सेल की एनाटॉमी पे नहीं फोकस कर रही होती बल्कि ये उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे भी जो है वो फोकस कर रही होती है, ठीक है। पेट जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर मेडिसिन में ही हमारे पास एक जो है वो फर्दर इसकी स्पेशलिटी है, ये भी हम आगे देखते हैं। इज अ फंक्शनल इमेजिंग टेक्निक दैट यूजेस रेडियो ट्रेसर्स, अब रेडियो ट्रेसर, रेडियो आइसोटॉप्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, रेडियो मटेरियल्स, ये सारी एक ही जो है वो नाम है, ठीक है, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना। रेडियो ट्रेसर्स टू मेजर चेंजेस इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड इन अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ब्लड फ्लो, रीजनल केमिकल कंपोजिशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अब आप देखें कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो बॉडी के अंदर आ रही हैं, मेटाबॉलिक रेट किस तरह का चल रहा है, ठीक है, किसी भी कोई भी केमिकल है बॉडी के अंदर उसकी क्या कंपोजिशन है, ठीक है, ब्लड फ्लो किस तरह का है, और कोई भी अगर बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो किस तरह की हो रही है, वो नॉर्मल है नहीं है, उसके लिए वो सारा आपको इमेज जो है वो क्रिएट करके न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो हमें
दिखा देती है. ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियर मेडिसिन इटसेल्फ जो है क्या, और इसका रेस्ट ऑफ द जो रेडियोलॉजी है उससे क्या डिफरेंस था. ठीक है, मोस्ट कॉमन न्यूक्लियर मेडिसिन मोडालिटी यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है, तीन हमारे पास ज़्यादा यूज होती हैं, गैमा कैमरा, ठीक है, सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको हम स्पेक्ट कहते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी जिसको हम पेट कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों क्लियर है कि न्यूक्लियर मेडिसिन होती क्या है और इसकी क्या जो है वो तीन कॉमन मोडालिटीज इसमें हम यूज करते हैं. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें. क्लियर हो गया मैम? आपने कहा कि पेशेंट इमिट करता है रेडिएशन, तो मतलब ये आयोनाइजिंग होगी कि मतलब आयोनाइजेशन की वजह से रेडिएशन इमिट होंगी? नॉन आयोनाइज, नहीं बेटा, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, इसमें बेसिकली हमारे पास जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है ना वो जनरेट कर रहे हैं रेज, लेकिन ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस नहीं है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है. ओके मैम. यस मैम. लेकिन हाँ जी मैम, इसके तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स आजकल एंजियोग्राफी को इस पे प्रेफर करते हैं, इसकी क्या रीजन है? बेटा देखिए, एंजियोग्राफी सेफ है अगर आप कैबेज करते हैं ना पेशेंट का. अगर हमने देखना है कि कोरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे देखें हम पेशेंट का? अगर आप लोगों ने कभी कैबेज देखा हो तो कैबेज में क्या कर रहे होते हैं, जो बाईपास होता है जिसको हम कहते हैं ना, बाईपास कहते हैं, पूरा स्टर्नम जो है वो कट करते हैं और फिर पूरा स्टर्नम खोल के तो हार्ट को विजुलाइज करके तो ट्रीट करते हैं. तो एंजियोग्राफी में तो बड़ा आसान सा है, आप जो है वो छोटा सा इंसिजन लगाएंगे और वहां से कैमरा इंसर्ट करेंगे और हार्ट तक जाएगा और उसको हम जो है वो इजीली जो है वो देख लेंगे. जैसे मैंने आपको कार्डिक कैथेटराइजेशन बताई थी, कार्डिक कैथेटराइजेशन में हम क्या कर रहे थे, हम कार्डिक कैथेटराइजेशन में छोटा सा ग्रोइन में कट लगा रहे थे, वहां से कैमरा जो है वो कैथेटर पास कर रहे थे, कैथेटर से कैमरा पास करेंगे वो हार्ट तक जाएगा और हमें जो है वो पता चल जाएगा. ठीक है ना, तो इस वजह से एंजियोग्राफी बच्चे सेफ है. मैंने आपको बताया था इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टेक्निक्स जो हम यूज कर रहे हैं वो पेशेंट के लिए सेफ है रादर देन जो मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं. ठीक हो गया, क्लियर है बच्चे? यस मैम. अच्छा जी, गैमा कैमरा इज एन इमेजिंग डिवाइस यूज्ड. हां जी मैम, वो जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो कौन सी रेस से ब्रेक होते हैं जो हम लिथोट्रिप्सी में? बेटा उसमें भी वैसे डिफरेंट रेज होती हैं, उसमें हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक गैमा रेज भी होती है हमारे पास. ठीक है, और कीमोथेरेपी में जो रेज यूज़ हो रही होती है उसके थ्रू भी जो है वो हम उनको जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है अगेन कि पेशेंट आपके पास जो है वो किस कंडीशन के साथ आया हुआ है. ठीक है, और इसके अलावा आपके पास आप देखेंगे जो लिथोट्रिप्सी की अगर आप बात करें तो उसमें बेटा हम लेज़र जो है उसके थ्रू कर रहे होते हैं, लेज़र में जो रेज यूज़ हो रही होती है ना वो रेज यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंगर कैमरा, गैमा कैमरा से अगर आपसे पूछा जाए इसको गैमा कैमरा का दूसरा नाम क्या है तो वो है एंगर कैमरा. एंगर कैमरा क्यों है, क्योंकि उसको एंगर जो था उसने एच एंगर ने जो है वो डिस्कवर किया था. द रेडियो एज अ ट्रेसर इंजेक्टेड इन टू वेन इमिट्स गैमा रेडिएशन एज इट डिकेज, गैमा कैमरा स्कैन्स द रेडिएशन एरिया एंड क्रिएट्स एन इमेज. ठीक है जी, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि हम एक रेडियो ट्रेसर इंजेक्ट कर रहे हैं पेशेंट की वेन के अंदर, आर्टरी के अंदर, जहाँ भी जिसको भी हमने देखना है और वो एक इमेज जो है वो दे रहा है. ठीक है, अभी यहाँ बच्चे ने एक क्वेश्चन किया था कि हम इसके अंदर जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन तो नहीं यूज़ कर रहे. ठीक है, तो आप देखें गैमा रेज मैंने आपको बताया था क्या थी, गैमा रेज हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशन ही थी. ठीक है, लेकिन गैमा कैमरा जो है उसके अंदर आपने आप कन्फ्यूज़ नहीं करना है, इसका नाम गैमा कैमरा लेकिन इसमें यूज़ हम क्या कर रहे हैं, रेडियो ट्रेसर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है जी, इस तरह का ये जो है बेसिकली इसकी गैमा कैमरा की एक मशीन होती है जिसे पेशेंट को जो है वो हम लिटा देते हैं और वो पेशेंट का जो है वो डिफरेंट ये बेसिकली रोटेट करती है और डिफरेंट एंगल से पेशेंट का जो है वो व्यू ले लेती है. अच्छा जी, अब इसके क्या यूजेस हैं, थायराइड स्कैन करने के लिए, बोन स्कैन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हाइडा स्कैन जो है वो क्या है, बेसिकली ये एक स्कैन होता है. ठीक है, जिसको हम लिवर को या गॉल ब्लैडर को या बाइल डक्ट्स को जो है वो स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, इसी तरह से डायनामिक रीनल स्किंटिग्राफी, ये क्या है जी, ये बेसिकली जो है वो रीनल से ना, आपको नाम से पता चल जाना चाहिए कि कहीं कोई जो है वो किडनी में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है यूरेटर में, उसके लिए जो है वो हम स्कैन गैमा कैमरा जो है उसकी हेल्प से देख सकते हैं. इसी तरह से ब्रेन स्कैन अगर हमने करना हो तो भी हम गैमा कैमरा यूज़ कर सकते हैं. न्यूक्लियर मेडिसिन बेटा बींग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में यूज़फुल इसका नहीं है, इसलिए हम इसको जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफाइड ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप अगर इस लेवल पे ज़्यादा पढ़ लेंगे तो फिर आपके लिए जो है वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आ रहे थे हमारे पास स्पेक्ट सिंगल फोटोन इमिशन. बेटा ये बस थोड़ा सा रह गया, ये थोड़ा सा रह गया. ठीक है, थोड़ा सा रह गया. इसमें क्या है, मल्टीपल व्यूज ऑफ थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन. सॉरी
क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने लगा. अच्छा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने लगा. चलें ये थोड़ी सी साइड्स हैं, फिर ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे. चलें ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ा दूंगी. अच्छा बच्चे मुझे आप लोग ये बता दें सारे स्टूडेंट्स कि आपके पास जो है वो वेंसडे और सैटरडे के अलावा कौन से स्लॉट्स फ्री हैं. जल्दी से शाबाश. क्लास लीव करने से पहले मुझे आंसर कर दें. संडे मैम. संडे. संडे के अलावा ट्यूसडे फ्राइडे बाकी में क्लैशेस हो सकते हैं मैम. अच्छा मुझे बताएं फ्राइडे. ट्यूसडे एंड फ्राइडे है. फ्राइडे में किसी स्टूडेंट को कोई इशू तो नहीं है मैम? ट्यूसडे मैम फ्राइडे को क्लासेस होती है. हमारी कंसेक्यूटिव फोर क्लासेस होती हैं बेटा. मुझे बता दें आपको. अच्छा मंडे में कौन से? मंडे में किसी स्टूडेंट को इशू कोई क्लैश हो? नो मैम. मैम आज बेटा हैंड वन बाय वन हैंड रेज करके प्लीज मुझे बताएं मंडे में किस स्टूडेंट को इशू है. हैंड रेज करें. अच्छा जी मोहम्मद नुमान जी बताएं बेटा. मैम मैं कह रहा हूँ कि क्लैशेस सबके आ जाने हैं. आप 3 बजे के बाद क्लास रखने हैं. आजकल रमजान है तो हो जाएगा सबसे मैनेज. किसी की भी कोई क्लास होगी. सॉरी बेटा मैं ना एक्चुअली हम चाह रहे थे कि मैं चाह रही थी कि हम इसको ना हम आपका स्लॉट जो है ना सैटरडे से डे चेंज कर होना था. इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आपके पास सैटरडे के अलावा कोई भी ऐसा डे है जिसमें कोई भी स्लॉट हम मैनेज करके जो है वो मंडे ट्यूसडे से देख लूं. मंडे ठीक है. ट्यूसडे और फ्राइडे मैम. ट्यूसडे मैम फ्राइडे बताइए. मैम ट्यूसडे. अच्छा मुझे मैम मंडे ट्यूसडे. मंडे. मंडे पे सारे बच्चे एग्री कर ले मैम. यस मैम मंडे ट्यूसडे मैम. ठीक है बेटा. देखिए आपका जो स्लॉट होगा ना लेक्चर का उस. अच्छा मुझे बताएं मंडे को कौन सा स्लॉट आपको सूट कर रहा है सबको? लास्ट 3 बजे के बाद रखें मैम. 12 बजे लास्ट वाला स्लॉट मैम. मंडे का लास्ट वाला स्लॉट मतलब 7 स्लॉट्स आपको सूट कर रहा है. 2 से 3 वाला या जो 5 से 6 वाला होता है मैम. नो मैम. अच्छा बच्चे मुझे बताएं मंडे को. अब जिन बच्चों ने हैंड रेज किए थे बेटा प्लीज आप हैंड डाउन कर लें. फिर दोबारा से मुझे फिर आप हैंड रेस करके बताएं मंडे को 7 स्लॉट में आप सबको सूट कर रहा है. किसी बच्चे का कोई क्लैश तो नहीं आ रहा मंडे को 7 स्लॉट में? यस मैम. 2 से 3 की जो टाइमिंग है मैम. मंडे को मेरी लास्ट क्लास होती है मैम 2 बजे से 2 से 3. तो बेटा 2 से 3 है ना. हम 7 स्लॉट में करेंगे ना. रमजान के बाद चलो चेंज कर लेंगे हम. ट्यूसडे की कर लें आप 2 वो 12:30 बजे. 7 स्लॉट क्या बोल रहे मैम? ट्यूसडे को ऑलरेडी क्लास है. अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दे मंडे को 7 स्लॉट में किस स्टूडेंट को इशू आ रहा है? शुएब अली बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ जल्दी से बताएं. शाबाश आपको इशू आता है मैम. टाइमिंग क्या होती है आपकी? कौन सी क्लास है मैम? मेरी क्लास होती है मैम. कौन सी क्लास है मैम? मेरी है बायोकेमिस्ट्री की मैम. कौन से स्लॉट में? कौन से स्लॉट में बेटा? मैम ये 7 में. 7 में तो हम फर्स्ट स्लॉट आपको सूट करता है मंडे का. जी मैम. अच्छा फर्स्ट स्लॉट ठीक है. अच्छा आप बस सब बच्चे में से मुझे बताएं मंडे को फर्स्ट स्लॉट में किसको इशू है? यस मैम ठीक है. फर्स्ट स्लॉट सही है मैम. मैम मंडे को फर्स्ट स्लॉट में हेल्पिंग करने की क्लास है बच्चों की. फर्स्ट स्लॉट में क्लास होती है. चलिए बच्चे आप लोग ऐसा करें नेक्स्ट क्लास से पहले ना ये आपस में डिसाइड कर लीजिएगा. आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होता है ना ठीक है कि आपको सैटरडे के अलावा कौन सा डे जो है विदाउट क्लैश ठीक है और एक स्टूडेंट नहीं पूरी क्लास के लिए ठीक है क्योंकि आप सबको हमने लेके जाना है मंडे सैटरडे के अलावा आप में से सबको कौन सा स्लॉट जो है वो सूट करता है ठीक है तो वो आप मुझे बता दें. मैम 3 बजे के बाद रख लें किसी भी टाइम सब फ्री होते हैं उसके बाद कोई क्लास नहीं होती. 3 बजे के बाद कह रहे हैं आप बेटा? रमजान की ना करें ना. रमजान के बाद की बात कर रही हूँ मैं. मैम जिस एक स्टूडेंट को इशू है उसको दूसरे के सेक्शन में अपने में शिफ्ट करवा लें आप. चलिए देख लेते हैं मंडे का 5 बजे वाला रख लें स्लॉट. मंडे को आप. अच्छा मुझे जरा एक दफा दोबारा बता दें मंडे को कौन सी स्लॉट आप सबको सूट कर रहा है? लास्ट वाली स्लॉट मैम. लास्ट कर रहा है. यस मैम. अच्छा अब आप में से इस वक्त लास्ट स्लॉट की टाइमिंग बता दें मैम. बेटा अभी रमजान में तो वैसे जो है ना वो 2 से 3 है ठीक है जी ठीक है. और रमजान के बाद आपको पता है 5 से लेके 6:15 तक होता है 5 to 6:15. जी मैम ये ठीक है. ठीक है तो अगर आप में से किसी भी बच्चे को 7 स्लॉट पे मसला है मंडे को तो फिर मुझे मेल कर दें. अगर नहीं है तो फिर हम मैं इसको ट्राई करूंगी कि हम इसको वहां पे जो है वो शिफ्ट कर लें.
ठीक है बच्चे, ओके अब बेटा आप सब बच्चों ने पढ़ के आना है एलएमएस के ऊपर, मैं लेक्चर भी अपलोड कर देती हूँ, वहाँ से जूम लिंक भी होता है, क्लास ज्वाइन जल्दी किया करें, और मैंने आपको बताया था बेटा एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपके साथ जो है वो एक कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए, और इंशाल्लाह असेसमेंट प्लान भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने पढ़ना किस तरह। ओके टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। I love this one.